गुड इवनिंग जय जिनेन्द्र ए किए हो मे मासा किए हो मजा में मेरा वो क्या गायन में मजा आई डांस करो वो मुझो अरे रे रे रे। अरे अरे प्रोफेसर गावन तुम्हें कुटे है कसा है सगड़ा बराबर मी कच्छी मधी बोल तुम्हारा समझला का नहीं कल का अरे अरे मत मी गुजराती मधी बोलू की हिंदी कि मराठी की राष्ट्रभाषा चलो अभी क्या करेंगे हिंदी में ही बोलना पड़ेगा फिर तो भाइयों मैं जो आपको बोल रहा हूँ अभी मैं हिंदी में ही आपसे बात करूंगा वरिष्ठ नागरिक भाइयों बहनों और दोस्तों आज नेहा और केवन के मुंबई आने के इस खुशी में जो हमने आनंद उत्सव रखा है इसमें आप सब आए हैं इसके लिए भारती और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच इस अवसर पर हम हमारे वडिल को याद करते हैं वो आज हमारे बीच नहीं हैं अगर होते तो ये उत्सव में चार चांद लग जाते लेकिन वो जहाँ भी है हमें पता है कि उनके ढेर सारे आशीर्वाद ब्लेसिंग्स नेहा और केवंत पर होंगे सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ नेहा की दादी माँ रतन बेन प्रेम जी नंदू नेक्स्ट जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ नेहा के दादाजी जब वो लेट ट्वेंटीज में थे प्रेम जी भाई नेक्स्ट माय फादर नेहा के साथ बम्बई में नेक्स्ट नेहा की नानी माँ लक्ष्मी बहन जब नेहा पैदा हुई तब करीब चार से छः महीने यूएस में थी और हमें उनकी बहुत मदद मिली नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं नेहा के नानी माँ और नेहा के नाना पालन भाई के नेहा के ग्रैंड अंकल डॉक्टर जी शाह मुझे पता है जब हम यूएस में थे हर हफ्ते उनसे बात होती थी नेहा से उनकी बात होती थी और नेहा उनसे कहती थी नो वे होजे ने यू रिमेम्बर दैट और और एक हमारे परम मित्र जगदीश भाई पंड्या जो आज हमारे बीच नहीं है नया से वो तीन चार साल पहले न्यूयॉर्क में मिले थे वो अगर होते तो बहुत ही खुश होते उनकी फैमिली यहाँ बैठी हुई है उनके सन और उनकी वाइफ वगैरह यहाँ पर है हम सभी को याद करते हैं आप सबको पता होगा कि करीब दो बार हमने ये फंक्शन रखा था वानखेड़े बीसीसीआई में लेकिन कोरोना की वजह से वो हो नहीं सका तो हमारे जो भतीजे हैं बिपिन भाई सावला मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे आज कहाँ है अरे बिपिन भाई जरा खड़े हो जाइए आप मैं तीसरी बार बीसीसीआई में फंक्शन रखने वाला था बिपिन भाई बोले मत रखो आपके लिए नहीं जमता है वो मैंने सोचा कि करी कई कभी बिपिन भाई धंधे के साथ कुछ एस्ट्रोलॉजी भी सीख लिया है पता नहीं लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ उनकी वजह से आज ये फंक्शन हमने ये तेंदुलकर जिम खाने में रखा है दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ करीब दो दो साल पहले हम हमारे भाई लोग से मिले थे हमारे मामा के लड़के किधर है नरेश भाई और मौसी के लड़के राजेश भाई तो उस टाइम पे हमारी भाभी जी सैला बहन यहाँ बैठे हैं और मनीषा बहन जरा हाथ ऊपर करो उन्होंने हमसे कहा महेंद्र भाई आप एक चीज बताइए हमें कि नेहा और केवन कैसे मिले ओके okay. दूसरा उनका क्वेश्चन था आपको कब पता चला और तीसरा क्वेश्चन यह था कि जब आपको पता चला तो आपके हालचाल कैसे थे आपको क्या लगा तभी मैंने उनसे कहा था कि जब राइट टाइम पे मैं ये सारी चीजों का जवाब दूंगा तो आज ये राइट टाइम आ गया है तो हुआ ऐसे कि मैं 2018 में भारतीय और मैं एटलांटा से रॉचेस्टर गए ड्राइव करके पंद्रह घंटे की ड्राइव थी दो शादियाँ थी दोनों शादियाँ अटेंड किए वहाँ से गए न्यूयॉर्क सिटी नेहा को मिलने करीब छः घंटे की ड्राइव उन दिनों नेहा अपने फ्रेंड के साथ रहती थी रूममेट्स गए बैठे चाय कॉफ़ी हुआ नेहा एकदम अच्छे मूड में थी भी आजकल बच्चों का अच्छा मूड होना भी एक अच्छी बात है हमारे मूड की तो चलता है होता है तो थोड़े टाइम के बाद मैंने नया से पूछा नया क्या हालचाल है हाउ इज एवरीथिंग गोइंग नया ने अपनी रॉचेस्टर एक्सेंट में बोला नथिंग कुछ नहीं चल रहा है बोला ठीक है नो न्यूज इज अ गुड न्यूज करीब 20-30 सेकंड के बाद नेहा बोलती है मम डैड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू मैं बोला अरे बोलो उसी के लिए तो हम आए सुनने के लिए तो नेहा बोलती है डैड आप रेखा को पहचानते हैं मैं बोला हाँ मैं तीन रेखा को पहचानता हूं एक मेरी बहन जो यहाँ बैठी है एक मेरी कजिन जो कहाँ है विक्रोली में रेखा सालसकर वो वहां बैठी है मैं उसको पहचानता हूं और तीसरी रेखा को पहचानता हूँ जानता हूं लेकिन पहचानने की कोशिश कर रहा हूं अपनी बॉलीवुड वाली रेखा वो बोलती है डैड वो रेखा नहीं मेरी दोस्त रेखा मैं बोला नहीं मैं नहीं पहचानता है तो बोली मेरी दोस्त रेखा और उसका हस्बैंड एंड्रू उसके साथ मैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गई थी तो मैं बोला अच्छी बात है कभी की बात है एक महीने पहले तो मैं बोला क्या हुआ फिर वहां में एंड्रू के दो से मिली ठीक है मैं बोला क्या नाम है उसका बोलते है, केविन तो बोला केविन के बारे में कुछ बताओ अब ये देखो बोलती है ही इज वेरी लॉयल निष्ठा बोलते हैं ना हिंदी में बोला गुड

वो इज़ वेरी कंपेंसनेट दयालु बहुत दयालु है फैंटास्टिक फिर आगे क्या अभी तक उसने कुछ बताया नहीं मुझे खाली ये सॉफ्ट स्किल्स बता दी सब तो मैंने बोला अभी कुछ आगे बताओ उसके फैमिली के बारे में बताओ तो अभी मैं उसके फैमिली के बारे में बताओ उससे मैं पहले मैं पूछ लेता हूँ कि अभी चालू है कि सब चालू है तो केविन की फैमिली दिखाइए पहले केवन के पिताजी लेफ्ट में आप देखेंगे डॉक्टर ब्रायन ब्रिक्स इज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन अभी रिटायर्ड हो गए हैं केवन की मदर डेबी ब्रिक्स नर्स थी अक्सर यूएस में डॉक्टर और नर्स का चलते रहता है तो हो गई शादी और अभी रियल एस्टेट बिजनेस में भी थी और नाउ दे आर बहुत रिटायर्ड हो गए हैं नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड ये केवन की फैमिली है आप केवन और नेहा को देख सकते हैं टॉप लेफ्ट में पेरेंट्स है उसके उसके एक्सट्रीम राइट पे केवन का बड़ा भाई है शॉन उसकी वाइफ है एलिसन नीचे ये जो बीच में है वो केवन से बड़ा है कैंट और उसके दो बच्चे हैं कैंट इज वर्किंग फॉर जॉनसन एंड जॉनसन जो शॉन है वो रियल एस्टेट बिजनेस में है तो काफी अच्छी फैमिली है तीन भाई लोग हैं है, बहन नहीं है ये फैमिली पिक्चर है अगेन फुटबॉल की मैच देखने गए थे आ, मिनिया पॉलिस, मिनेसो, मिनेसोडा स्टेट में वो वाइकिंग्स की जर्सी पहनी हुई है केविन की फेवरेट टीम है ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हो गया तो इसके बाद मैंने नेहा से पूछा कि नेहा ये सब तो आपने मुझे बताया लेकिन आगे क्या आखिर मुझ मैंने मुझसे ही कहा कि मैंने पूछा कि नेहा डू यू लाइक केविन बोलती है हाँ आई लाइक तब मैं बोला ओके okay. तो अभी आपके सवाल का जवाब कि हमको कब पता चला हम जब न्यूयॉर्क गए तब पता चला हमारी रिएक्शन क्या थी मैं मेरी रिएक्शन के बारे में बोल सकता हूँ तो मैंने मेरी फर्स्ट रिएक्शन थी कि नेहा कितनी खुश है हाउ हैप्पी सी इज सबसे बड़ी बात बच्चे खुश है तो हम खुश है और दूसरी मेरी रिएक्शन ये थी कि हम जो सोचते हैं वो एक दंग होता है उसका इसकी सोच हमसे बहुत आगे है एक कदम आगे है उसने ये नहीं देखा कि इसके पास कितने पैसे हैं क्या है क्या उसको लड़का पसंद आया उसकी जो सॉफ्ट स्किल्स है वो पसंद आई उसने वो देखा तो हमने सोचा भाई वो खुश है उसमें हमारी खुशी है और भारतीय और हम दोनों बोल नया गो है आगे बढ़ो उसके बाद केवन एटलांटा करीब तीन से चार बार आए और क्या हमारा मजा का टाइम रहा एकदम साथ में फुटबॉल देखना साथ में बॉलीवुड की मूवीज देखना आउटिंग के लिए जाना बुखारा खेलना ताश बुखारा खेलते हो कोई बुखारा मैं और केविन पार्टनर भारती और नेहा हम लोग कोशिश कर रहे जीतने की अभी तक पहुंचे नहीं वहां पे तो ये सब हो गया उसके बाद केविन और उसकी मदर पिताजी और दोनों पेरेंट्स आए अटलांटा हमारे साथ रहे एक दो दिन अच्छी जान पहचान हुई और उसके बाद जब शादी का तय हुआ तब हमने यहाँ फंक्शन रखने की सोची थी जो कैंसिल कर दिया गया उसके बाद नया और केवन ने डेस्टिनेशन वेडिंग का सोचा न्यू ऑर्लिन्स में जो फन सिटी है न्यू ऑर्लिंग्स सब कुछ तय हो चुका था लोकेशन इवेंट मैनेजर ये वो वो भी कोरोना के वजह से कैंसल हो गया वापिस यहाँ और एक फंक्शन कैंसिल हो गया उसके बाद एटलांटा में हमने 20 अगस्त को फंक्शन रखा था और अभी ये आज का फंक्शन तो आपको थोड़ा अंदाज़ा आ गया होगा कि कैसे क्या हो गया करके अभी स्लाइड चालू है तो अभी मैं आपको थोड़ा शादी के बारे में बताता हूँ क्योंकि क्या हुआ था कि जब मार्च में इनकी शादी न्यू ऑर्लैंड में कैंसिल हो गई फिर हम सोचते थे क्या करें क्या नहीं कैसे करें पंद्रह अगस्त दो केविन के पिताजी के घर मिनेसोटा स्टेट में उनके घर के बैकयार्ड में जो उनका घर लेक के ऊपर है हम लोग बच्चों के साथ मिलाकर सोलह सिक्सटीन पीपल वेयर देयर मैं भारती नेहा हमारी फैमिली से केविन के पेरेंट्स केवन के भाई दो बच्चे नेहा के फ्रेंड्स केवन के एक फ्रेंड सोलह जन थे शादी हुई तो शादी के थोड़े पिक्चर दिखाता हूँ आपको ये मैं कुछ बोल रहा हूँ पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं उनको समझा रहा हूँ हिंदू विधि जैन विधि से शादी कैसे होती है क्या है एवरीबडी लुक्स हैप्पी के नेहा की फ्रेंड का दोस्त है नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट ये देखो आप काउंट कीजिए सोलह जन है पीछे लेक है और इनमें शादी हुई बहुत अच्छी शादी हो गई ओके नेक्स्ट हो गया ओके okay, गुड अभी मैं आपको कुछ नेहा के बारे में बताऊंगा सो so, नेहा से मैं यही कहूंगा नेहा यू बॉट बंडल ऑफ जॉय इन अवर लाइफ भारतीय और हमारी लाइफ में बहुत खुशियां नेहा लाई मुझे वो दिन याद है कि बॉशन गॉम में मेरी मीटिंग चल रही थी सेक्रेटरी ने आके कहा डॉक्टर नंदो यू गट अ कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल मैं मीटिंग छोड़ के गाड़ी में भागते हुए पहुंचा हॉस्पिटल जिस दिन नेहा का बर्थ हुआ और ये पिक्चर नेहा को हाथ में लिया मैंने उसके बाद कीप मूविंग कीप मूविंग कीप मूविंग हाँ बस वो वो रखिए नया की फर्स्ट बर्थडे जो हमारे दोस्त के घर फिलाडेल्फिया में हमने मनाई थी कि नया दो साल की थी तभी इसकी बर्थ हुई बर्थ सब मनाई थी ये नया के सब फ्रेंड्स काफ़ी बर्थडे मनाई वहाँ पर ये वांड गांव में गई थी तभी का थोड़ा रखना पिक्चर भैया नया यू रिमेम्बर दिस पिक्चर इट्स फन राइट जब नेहा स्कींग के लिए लेके जाते थे पहाड़ी पे बर्फ की पहाड़ी पे इंडियन कम्युनिटी सेंटर में जब दिवाली नवरात्रि के फंक्शन होते थे हमारे फ्रेंड्स की लड़कियां नेहा यू कैन सी नेहा इन सेंटर पार्टिसिपेट करती थी गरबा गरबा डांस में ये नया की कजिन सब जो यहां पर मौजूद है जब नया ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया कीप मूविंग हो गए तो कभी कभी हमारे पल्लवी बहन है यहां पे हाँ मैं घर पे बैठा रहता हूँ पल्लवी बहन आती है बोलती है मामा क्या सोच रहे हो आप मैं बोला क्या बोलूँ मैं बोला मैं बीता हुआ कल सोच रहा हूँ जो मेमोरीज यादें पुरानी यादें वही सोचना है अभी और क्या है बराबर न मनीषा बहन बराबर हाँ हाँ तो वही हम सोचते रहते हैं अभी मैं थोड़ा केवन के बारे में बताता हूँ और मुझे अगर एक ही वर्ड में केवन को बताना है जो आप समझ सकते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में जिसे ऑलराउंडर कहते हैं केवन को आप स्पोर्ट्स में बात कीजिए फुटबॉल साकर टेनिस थोड़ा बहुत क्रिकेट भी जानने लगा है अभी उसको आप वर्ल्ड अफेयर्स की बात कीजिए वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कम्युनिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है आधा घंटा एक घंटा रिलीजियन जैनिज्म हिंदुजम क्रिश्चियनिटी, जो भी है यू कैन टॉक वो उसका मैकेनिकल माइंड बहुत अच्छा है हमारे घर में आके काफी प्रोजेक्ट्स उसने कर दिए जो इधर टूट गया था वो टूट गया था सब फिक्स कर दिया उसने और जो मैंने आपको बताया उसके बारे में एक चीज केवन ने मुझे बताई थी कि वो तीन भाई जब छोटे थे उनकी मदर ने उन सबको बहुत पीटा है केवन यू गॉट लॉट ऑफ स्पैंकिंग फ्रॉम योर मॉम वेन यूज बाई यंग कैन यू वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट दैट हां आई गिव यू दिस नो नो दिस इज योर फोन राइट वी डिजर्वड एवरीवन हां बहुत मस्ती करते हैं ये लोग लेकिन लेकिन हमें हमें बहुत खुशी है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें दामाद तो मिला ही है लेकिन उसके साथ हमको लड़का मिला उससे भी हमको दोस्त मिला केवन और मैं हम लोग दोस्त की तरफ मिलते हैं बातें करते हैं खाते पीते हैं सब वैसे ही है और सबसे बड़ी बात जो हमें मिली नेया और केविन के थ्रू हमको ब्रिक्स फैमिली के साथ कांटेक्ट हुआ केविन के जो पिता है ब्रायन ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन दैट आई हैव है उनसे बढ़िया मैं देखा नहीं हम लोग आज भी हर हफ्ते कम्युनिकेशन करते हैं टैक्स मैसेजेस करते हैं और आ, सब कुछ अच्छा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नया इज़ हैप्पी तो ये छोटी सी कुछ कहानी मैंने बनाई थी आपको कहने के लिए अगर आज का ज़माना कैसा है कि हम बच्चों को क्या एडवाइस दे बच्चे हमको एडवाइस देते हैं ना बराबर ना ज्योति बहन हाँ लेकिन मैं मैं एक एडवाइस दूंगा उनको केविन लिसन रिमेंबर फोर एच इन लाइफ फोर एच द फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड आई नो यू कीप अ गुड हेल्थ अगर हेल्थ आपकी अच्छी है द सेकेंड एच इज हैपी यू आर गोइंग टू बी हैप्पी हेल्थ हैप्पीनेस अगर आप हेल्थी है आप हैप्पी है यू कैन बी हेल्पफुल टू समबड़ी आप किसको मदद कर सकते हैं आप हेल्थी है हैप्पी है आप, है, है, आप किसी को मदद कर सकते हैं यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी आप इंसानियत के मार्ग पे चल रहे हैं सो दिस फोर एच आर वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट में मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा। सबसे पहले रवि भाई गायकवाड़ जो यहाँ के ऑपरेशंस मैनेजर है काफ़ी मदद मिली हमको उनसे तो उन्हें और उनकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। उसके बाद आते हैं हमारे डीजे और डेकोरेटर माइकल जी कहाँ हो माइकल भाई थैंक यू उसके बाद हमारे जो एंकर है जो ये शो को कंट्रोल कर रहे हैं मदिया जी मदिया जी थैंक यू वेरी मच और उसके बाद जो आपने हमारा डांस देखा हमको क्या कहाँ आता था आ, आ, कोरियोग्राफर मानसी सेठ इन्होंने इतनी मेहनत की है रात दिन हमारे लिए कि अभी थोड़ा बहुत नाचना हमको भी आ गया ठीक है।, है बहुत थैंक यू वेरी मच मानसी बहन और जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आप देख रहे हैं एलाइजा बहन कहाँ है कहाँ छुप गए आप वो कॉर्नर में ये पांजा कच्ची है कच्ची भाई मजा में हाँ हाँ आगे आ चाहिए आप वो हाँ हाँ और उसके बाद मैं भारती भारती का है अगर मेरे स्पीच में कुछ कमी रह गई है तो भारती पूरा कर दीजिए आइए आगे आइए ए सो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ धन्यवाद थैंक यू फॉर कमिंग अगर आप नहीं आते तो ये फंक्शन ही नहीं होता हाँ સો થેન્ક યુ થેન્ક યુ very much ઓર અબી મે જરા ભારતીકો દે દઉ હેલો વિજય જિનેન્દ્ર બધા આવ્યા એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર બધાને મળીને ઘણી જ ખુશી થઈ અને હવેની સાન્સ એન્જોય કરો થેન્ક યુ